व्हाट्सअप गेमर्स, मैं आप सभी का होस्ट दमिन संगर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीटी के अंदर के बिल्ड अ मिशन। बिल्ड अ मिशन वैसे तो दूसरा एक मॉड है दूसरा, जिसका नाम है बिल्ड अ मिशन। बट अगर आप वो मॉड बहुत ही डिफरेंट है इस मॉड से। इसमें मैं आपको मेन्यू से अब स्टीलिंग अ कार वाला आप स्टोरी कैसे बना सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके अंदर भी एक मैं एक मिशन बिल्ड ही करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक स्टोरी में कॉन्सेप्ट ऐसा रखूँगा कि हमारे यहाँ पे ये एक घर है, बहुत ही बढ़िया वाला घर है। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा GTA के अंदर ही घर है और यहाँ पे टेनिस कोर्ट सब कुछ है। हम ऐसा बता देंगे कि ये जो घर है ये किसी मिलियनेर का घर है और इसके अंदर, इस घर के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाली एक गाड़ी रखी है जो जिसकी कीमत काफ़ी बढ़िया है और वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग इसकी गाड़ी चोरी करने के लिए आ रहे हैं। इसके घर के अंदर सिक्योरिटी भी बहुत सारी डाली हुई है। तो अभी फटाफट से हम लोग ये वाला सीन क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग गाड़ी का पार्किंग स्पॉट पहले ढूंढ लें। तो मेरे को ये वाला पार्किंग स्पॉट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो हमें यहाँ से हमारा F9 मेन्यू में, अभी आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे F9 मेन्यू के अंदर है और हम यहाँ पे हमारी जो भी डिज़ायर्ड गाड़ी है जिसको हमें चोरी करना है उसको हम लोग स्पॉन कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग स्पॉन करने के लिए F प्रेस करेंगे और स्पॉन एंटिटी टू द वर्ल्ड, इसके अंदर व्हीकल स्पेंड करेंगे। अब मैंने इसके अंदर ऑलरेडी एड ऑन कार्स डाल दिए, तो मैं उसका डायरेक्टली कोड लिख दूंगा। तो जो गाड़ी हम लोग चोरी करने वाले हैं उसका नाम है अवेंटेडोर, AVENTSVJ, और इसका स्पॉन कोड है ये वाला। तो ठीक है, ये जो गाड़ी है ये काफ़ी रेयर गाड़ी है और वो सब कुछ ऐसा हम लोग बता सकते हैं सीन के अंदर। इसकी स्पीड बहुत है और वो सब कुछ बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें इसका कलर वो सब कुछ चेंज करना है, हमको सिंपली इसके ऊपर हमारा माउस ले जाना है और राइट क्लिक करना है और इसके अंदर मेन्यू कस्टम्स पर जाना है और यहाँ से आपको जो कुछ चेंज करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंजन की स्पीड बढ़ा सकता हूँ, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करना है, मैं इसका चेंज कर देता हूँ कलर प्योर गोल्ड, तो लगेगा कि हाँ चलो गोल्ड लैम्बोर्गिनी और वो सब कुछ है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से नियॉन लाइट लगाना था, आप लगा सकते हो। मैं चारों तरफ नियॉन लाइट लगा देता हूँ और इसकी जो कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ इलेक्ट्रिक ब्लू। ठीक है, ठीक लग रहा है। एक्स्ट्रा में जो आपको ऐड करना है वो कर दो अपने तरीके से। टर्बो में ऑन रहूँगा, नंबर प्लेट भी आप चेंज कर सकते हो। नंबर प्लेट का नाम जो आपका रखना है वो यहाँ पे मैं रख दूंगा 27 गेम टेक, इतना ही लिखता है। तो चलो 27 गेम में यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। बस इतना हमारा ये वाला काम हो चुका है। अभी हमें ये गाड़ी को कुछ नुकसान ना वो करना हो तो हम यहाँ पे इनविंसिबल ऑन कर देंगे, जिससे कितनी भी गोलियाँ मारोगे ये गाड़ी हमारी ख़राब नहीं होगी। तो अभी हमको ऐड करने हैं कुछ गार्ड्स, हमको ये वाली गाड़ी की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से इस गाड़ी को हमने पॉइंट किया मैंने और मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, इट्स ऑल सिंपल। अभी हमको गार्ड्स रखने हैं। ठीक है, तो हम गार्ड्स कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे दरवाजे पे, और मैं क्विकली गार्ड्स रख देता हूँ जिससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, गार्ड्स भी हम लोग ऐसे रहेंगे जो हम लोग अगर उनके ऊपर अटैक करेंगे तो वो हमको पता चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे F प्रेस करेंगे, स्पॉन एन एंटिटी, इसमें पैड हम लोग देंगे और सर्च मारेंगे सिक्योरिटी को, एक सिक्योरिटी हम लोग रखने वाले। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे हाई रख दूंगा और ये हाई सिक्योरिटी का मॉडल यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे सामने आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे जो भी मेरे को मॉडल चाहिए वो कर लूँगा। अभी मैंने मॉडल यहाँ पे स्पॉन कर लिया, आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको पहले वेपन दे दूंगा। ठीक है, इसको इनविंसिबल नहीं रखना, हमने हमको इनको मार के गाड़ी छोड़ के भागना है, इसको इनको इनविंसिबल मत रखो। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको जाना है पैड ऑप्शंस के, रिलेशनशिप में जाना है। रिलेशनशिप में जाके हमको स्पूनर का एनिमी कर देना है और इस स्टील ब्लॉक की इनको ऑफ कर देना है। उसके बाद हमको जाना है इसका बॉर्डर वगैरह, कपड़े चेंज करना चाहते हो तो आप आराम से कर लो, जो करना है वो आप कर सकते हो। हमें इसको वेपन दे देना है, वेपन में इन लोग को दूंगा असॉल्ट राइफल दे दूंगा सबको, ये बहुत ही बढ़िया वाली है। अब ये वाला काम तो हमारा हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करके उसके मैनेजमेंट को टास्क सिक्वेंस दे देंगे, जिसका हम लोग नाम रखेंगे। टास्क सिक्वेंस हमको कौन सा देना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमको नीचे जाना है, फाइट एनिमीज इज एलिजिबल एंड प्रोवोक्ड, एलिजिबल एंड प्रोवोक्ड, इसके ऊपर हमको टिक करना है। इसका ड्यूरेशन आप जो करो, मैं यहाँ पे 5000 सेकेंड्स या वट एवर आपको जो करना है वो आपके इतना लंबा ड्यूरेशन रख सकते हो। और यहाँ पे आपको रेडियस दिख रहा है। ठीक है, अगर माइकल या कोई भी प्लेयर इस रेडियस से बाहर फाइट शूट करेगा तो ये आपका बंदा आपके साथ फाइट लेंगे। तो इसका रेडियस हम लोग बड़ा ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका रेडियस इतना बड़ा कर दिया है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमारे यहाँ पे ये सब कुछ तो काम हो चुका है। अब सिंपली क्या करना है, हमें कुछ बंदे रख देने, जैसे कि मैं 10 बंदे रख देता हूँ। वैसे इतना बड़ा घर है तो ज़्यादा, आई गेस 10 बंदे रख देता हूँ तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला बंदा हो गया। हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर हमने पॉइंट किया डायरेक्टली, हम लोग सी प्रेस कर देंगे। ये देखो इसका दूसरा वर्जन बन गया है, टास्क इसके पास सेम ही है। तो यहाँ पे हमने एक और बंदा यहाँ पे रख दिया गेट के ऊपर, इसको भी हम लोग अच्छे से सेट कर देते हैं गेट के ऊपर। हमारे 2 बंदे हो गए, अब हमें और 8 बंदे चाहिए।
ये हमको ये इस बार इस गार्ड को हम लोग थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे हम लोग 8 बंदे समझ जाएंगे। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे 10 बंदे हो गए हमारे। अब अपने तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं इनको जहाँ पे हमको सेट करना है। मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा, तो यहीं पे रहे। दूसरे बंदे को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। थोड़ा सा मैं अभी रफली कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा ये सब। आपको ना गार्ड्स के यूनिफॉर्म भी वो सब कुछ अगर आपको चेंज करना है तो आप कर लोगे अपने तरीके से। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फिर अपनी बारी आई स्किन, सबको मैं अभी रैंडमली सेट करता हूँ। थोड़ा सा दूर भी सेट करता हूँ जिससे आपको पता चले कि वो मेरे ऊपर शूट भी करने आ रहा है, ठीक है। और बाद में मैं इसका रेडियस चेक कर लूँगा, अगर हमको इतना दूर रख रहे तो उसका रेडियस हमारे पे वर्क करेगा नहीं, नहीं तो इसका रेडियस हमें बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये वाला इसका रेडियस चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो टास्क सिक्वेंस में आएगा, यहाँ पे हम इसका रेडियस अगर चेक करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत ही, वैसे इसका रेडियस हमको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, बट आई डोंट नो। बट ये हमको शूट कर रहा है क्योंकि बहुत ही लंबा रेडियस है, बहुत ही बड़ा रेडियस रखा है हमने। ये पूरा एरिया कवर कर लेना, ये पूरा एरिया कवर कर लेना, इतना हमने रेडियस रखा है तो वो आराम से हमारे पर शूट करेगा। अभी हमको 3 बंदे और सेट करने, तो गाड़ी के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे 3 बंदे सेट करेंगे। ये एक बंदा आ गया, दूसरा बंदा हमारा यहाँ पे आ गया, और तीसरे बंदे को अगर आपकी मर्जी आपको ऊपर भी उसको बिठाना है तो भी आप यहाँ पे ऊपर रख सकते हो। मैं इस लास्ट बंदे को मैं यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा सीन यहाँ पे सेट हो चुका है, बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये F9 मेन्यू को एग्जिट करना था। आप कर सकते हो, मैंने यहाँ पे F9 मेन्यू का आपको सीन दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन 2 बंदों के साथ हम लोग फाइट शुरू करेंगे। तो जैसे हम लोग ये वाली फाइट शुरू करेंगे ये सारे बंदे हमको मारने के लिए आ जाएंगे। ये बंदा ऊपर से मारेगा हमको, ये बंदा भी आएगा मारने के लिए, यहाँ से वो दूर खड़ा बंदा है वो भी हमको मारना जाएगा। अभी ये लोग मेरे को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अभी तक इनका टास्क एनेबल नहीं किया है, ठीक है। और हमारा मिशन ये है कि हमको ये वाली जो गाड़ी है इसको चोरी करके जाना है। ये पहले सबसे पहले मैं वेदर चेंज कर देता हूँ, ये वेदर इतना बढ़िया नहीं है, क्लियर। और टाइम वेपन तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा ग्राफिक्स मॉड की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे डस्टी आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग को इनका टास्क एनेबल करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड पर चला जाऊँगा, मैं थोड़ा सा दूर चला जाऊँगा। मेरे पास गन वन है ना यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी गन है, असॉल्ट राइफल है मेरे पास, मैं सब बिना सप्रेसर वाली गन ले लेता हूँ तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बिना शूटिंग का मज़ा भी आएगा बिना सप्रेसर वाली। यहाँ पे बिना सप्रेसर वाली तो मेरे पास नहीं है, मशीन गन ले लेता हूँ। ओके, ये मशीन गन ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा बेहतर रहेगा, ठीक है। और मैं यहाँ से मैं एक गाड़ी भी यहाँ पे स्पॉन कर लेता हूँ फटाफट, मेरे लिए इनके एंट्री करने के लिए एक हाथ गाड़ी भी मैं यहाँ पे स्पॉन कर लेता हूँ। तो मैं कौन सी व्हीकल लेके जाऊँ, तो एक काम करता हूँ मैं पोर्शा लेके जाता हूँ, PCS 20 आई गेस यही है मेरी पोस्चर। ओके, ये रही, मैं यहाँ पे मैंने पोस्चर मेरी स्पॉन कर ली है, तो इसे डैमेज हो गई है, इसका रिपेयर कर देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे अभी हमको अगर हमारा जो सीन जो हमने सीन सब कुछ दे दिया, सब कुछ एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड, अभी हमें डायरेक्टली चोरी करने पर उसके पहले हमको उनके टास्क एनेबल करने होंगे। तो सबसे पहले हम F8 प्रेस करेंगे मेन्यू ओपन करिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पूनर पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे एडिट मल्टीपल एंटिटीज साइमल्टेनियसली, फिर हमको सिलेक्ट करना है ये जितनी भी सिक्योरिटी है इन सबको हमको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे 10 एंटिटीज़ को सिलेक्ट कर दिया है। अभी हमको 0 प्रेस करके हमको बैक जाना है, और यहाँ से हमको नीचे आके स्टार्ट टास्क सिक्वेंसेस में आ जाना है। अभी देखो मैंने जैसे स्टार्ट किया, पर ये लोग मेरे को शूट नहीं करेंगे, जब तक मैं इनको शूट नहीं करूँगा तब तक ये लोग मेरे को शूट नहीं करेंगे। तभी मैं इनके पास जाता हूँ फटाफट से, इनके ऊपर शूटिंग करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ मिशन यहाँ पे शुरू हो चुका है, हमारे पास गन भी है, तो यहाँ से इनके ऊपर मैं शूट करना शुरू कर, जैसे ही मैंने शूट किया ये देखो ये लोग मेरे को शूट करने आ चुके हैं। अभी मेरे को थोड़ा सा भागना पड़ेगा नहीं तो ये लोग सारे मेरे को मार डालेंगे। तो मैं फटाफट से कवर ले लेता हूँ, और ये देखो ये लोग मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं अभी, और मैं भी पूरी तरीके से सबको भून दूंगा। ये देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो, और ये 2 बंदे को तो मैंने चटके दिया है। भाई मशीन गन से क्यों नहीं मारा पता नहीं, मशीन गन पकड़ ले भाई हाथ में, और हम ऐसे अपने तरीके से इन कर सकते हैं। और अभी हमने 2 बंदे को हमने मारा, बट एक और बंदा शायद, ये लोग भी हमें ट्रिगर हो चुके हैं हमें मारने के लिए। और ये देखो ये बंदा भी हमको ऊपर से मार रहा है। आप देखो पूरी अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे सीन क्रिएट किया, और हमारा सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा है। ओ तेरी, ये बंदा भी आ गया, और कोई है क्या, वो रहा एक और, ओए वो देखो वो भी वहाँ से हमको मार रहा है, देख रहा है ना। यानी अगर आपको ये रेड वाला सिंबल आ रहा है तो वो आपको मार रहा है। तो यहाँ पे हमने सारे गार्ड्स को यहाँ पे मार दिया है गाइस। हम ये वाली गाड़ी चोर के फटाफट से निकलते हैं, गोल्ड कलर की लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। पुलिस भी हमारे पीछे यहाँ पे आ चुके हैं, हमको पुलिस को लेके भगना, जैसे कि हमने देखा हमने गोल्ड कलर सेट किया।
और पुलिस अंदर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम पुलिस से ही भागना पड़ेगा हमको। बहुत ही बढ़िया तरीके से, कैसे देखा गाइज आपने, हमने इतनी बढ़िया तरीके से ये वाला सीन क्रिएट करके हमने ये गाड़ी चोरी कर दी। अब फॉर एन इंस्टेंस अगर आपको ऐसी ऐसी वीडियो शूट करनी है जिसके अंदर आप गाड़ी कोई ले जा रहे हो अपने ट्रक के ऊपर या अपने फ्लैट बेड के ऊपर, सबसे पहले तो मैं पुलिस को भगवा देता हूँ यहाँ से, नेवर वांटेड ऑन कर देता हूँ तो सर बेहतर रहेगा, ठीक है। वांटेड लेवल ऑफ और यहाँ पर नेवर वांटेड ऑन, ठीक है। तो हमने कैसे इतनी बढ़िया तरीके से ये वाली गाड़ी चोरी कर ली, थोड़े से डैमेज हो चुके हैं बट कोई बात नहीं। अभी फॉर एन इंस्टेंस अगर ये गाड़ी किसी ट्रक के ऊपर होती तो हम यहाँ से, मैं F9 मेन्यू से यहाँ पे प्रेस कर दूंगा, एक हाथ ट्रक में स्पॉन कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं जाऊँगा ट्रक के ऊपर और एक फ्लैट बेड, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फ्लैट बेड स्पॉन की। अभी हमें इस गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ाना है बट हम ये फ्लैट बेड कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना है, सिंपली इस गाड़ी के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर हमको अटैचमेंट ऑप्शन में जाना है, अटैच टू समथिंग एंड देन वी अटैच टू फ्लैट बेड को सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, ये गाड़ी ऐसी आई हमारी, हमको ऐसी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से हम लोग इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ से मैं इसकी हाइट एडजस्ट कर रहा हूँ अच्छी तरीके से और ये हाइट एडजस्ट हो गई। अभी इसकी हम लोग वो वाला एडजस्ट कर लेंगे, ये जो अपनी है यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस गाड़ी को इस फ्लैट बेड के साथ अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, F9 को एग्जिट करना है और फटाफट से हम लोग यहाँ पे ट्रक के बैठ जाएंगे, ठीक है। ट्रक के अंदर बैठ जाएंगे, ओए गाड़ी के ऊपर नहीं बैठना, ट्रक के अंदर बैठना है, तो भाई माइकल भाई गाड़ी के ऊपर बैठने वाला था। ओके तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रक के, जैसे भी आप देख सकते हो हमारी गाड़ी यहाँ पे हिलेगी नहीं, जब तक हम लोग डिटैच नहीं करेंगे तब तक इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको डिटैच करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फिर से F8 में जाएंगे, ऑब्जेक्ट स्पूनर के अंदर, फिर मैनेज एंटिटी डेटाबेस में जाएंगे और ये जो अवेंटेटर दिख रही है इसको हम लोग यहाँ से अटैचमेंट ऑप्शन डिटैच कर देंगे। तो जिससे कैसी गाइज, मैंने जैसे ही डिटैच की ये गाड़ी पूरी यहाँ से हिल के टूट गई, ठीक है। तो ये सब कुछ सीन होता है। तो ऐसे आप नहीं ना, अगर आप किसी व्हीकल को डिलीवर कर रहे हो तो आप यहाँ से अटैच करके व्हीकल को डिलीवर कर सकते हो, या ऐसे बहुत सारे सीन्स है जहाँ आप ऐसे कर सकते हो। सो गाइज आपको अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो गो एंड हिट द लाइक बटन। आपको थोड़े और भी चाहिए मेन्यू के इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप उसका भी कमेंट कीजिए सब कुछ। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो ओरिजिनल जो बिल्ड द मिशन वाला मॉड है उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो का, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।